बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा और फल बांटे। कार्यकर्ताओं ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार बनाने का संकल्प लिया। उदी क्षेत्र में सपा नेता शिल्पू भदौरिया, प्रधान देवेंद्र भदौरिया, विजय यादव, शंकर सिंह भदौरिया, मनमोहन सिंह, अनिल चौहान, मोनू भदौरिया ने फलों का वितरण किया। उधर भरतना तहसील मुख्यालय पर भी पार्टी के बड़े नेताओं की अगुवाई में सपा मुखिया का जन्मदिवस मनाया गया। भरतना नगर व ब्लॉक समाजवादी पार्टी नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दो स्थानों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव के चित्र पर तिलक बंधन कर उनके दीर्घायु की कामना करते हुए केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां देकर मिष्ठान वितरण किया। भरतना के मोहल्ला होमगंज में सपा नगर अध्यक्ष प्रताप सिंह वर्मा व ग्राम पाली स्थित माता पालट देवी मंदिर पर सपा ब्लॉक अध्यक्ष श्रीनिवेश यादव के नेतृत्व में अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया गया। पूर्व राज्य मंत्री अशोक यादव, पूर्व सांसद व विधायक प्रदीप यादव, सपा नेता अजय यादव गुल्लू, ब्लॉक प्रमुख हरिओम यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव बंटी, सिग्रेश यादव व प्रताप सिंह वर्मा, श्रीनिवेश यादव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्र पर तिलक वंदन कर उनके दीर्घायु की कामना की और केक काटकर पार्टी नेता पदाधिकारियों को मिष्ठान वितरण करते हुए खुशियां मनाई। कार्यक्रम के दौरान सपा जिला सचिव दलवीर यादव, प्रधान अरविंद कुमार, वेद प्रकाश, मयंक रक्षपाल सिंह यादव, राजेश पांडा, पूर्व सभासद भोला सिंह चक, लाली पोरवाल, रमेश कठेरिया, गौरव यादव, रजत कठेरिया आदि सपा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 46वां जन्मदिन मनाया गया और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर पाल्ट देवी मंदिर पर ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से मनाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दीर्घायु हों और उनका जो इस तरह से जो समाज के प्रति जो निष्ठा भाव और लगन से जो काम कर रहे हैं, इसी तरह वो आगे बढ़ें और हम सब लोग उन्हें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कि ये जो नए लोग हैं, हम लोग तो उनके ऐसे साथी हैं जिन्हें मतलब आज 25 सालों से, और ये तो पूरी ज़िंदगी हो गई इनको, तो हम लोग तो उनसे जुड़े, लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं उनके मन में समाजवाद की अलग जगानी है। समाजवाद क्या है ये उन्हें बताना है। समाजवादी पार्टी के लिए लोगों में एक जज्बा पैदा हो, भावना पैदा हो, ये काम पार्टी करती है। ये पार्टी काम भरतना में जब से हमारे ये प्रताप सिंह वर्मा बने हैं, समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरी आज प्रदेश में, देश में जहाँ पर भी समाजवादी कार्यकर्ता है, आज वो उनका जन्मदिन मना रहा है और इस आशा से मना रहा है कि आज से ठीक 1.5 साल बाद पुनः वो सरकार आएगी जिस सरकार ने 5 साल में विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये जो सरकार जो धोखा देती है, झूठ बोलती है, फर्जी बातें करती है, उसके खिलाफ ये सखनाद मानवास है। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। 1.5 साल का बहुत थोड़ा वक्त होता है और जिस तरह से पार्टी आज हमारा काम कर रही है, साइकिल यात्रा शुरू कर रही है, गाँव गाँव पर्चे बंटवा रही है, इस बीच में जो भी लगातार ये जो कोरोना चला तो कार्यकर्ताओं ने निर्भीक होकर लोगों को भोजन दिया, तमाम चीज़ें दी, बांटी, जबकि किसी दल के लोगों ने ऐसा नहीं किया। सरकार ही तो उनका पैसा वो कर सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अकेले लोगों को अपनी जेब से खर्च करके मदद की है। अखिलेश जी ने कम से कम 18-20-25 लोगों को तो लाखों रुपए बांटा जो गरीब परिवार के लोग थे। तो भगवान से दुआ करते वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, आगे चल के पुनः वो इस देश को और इसका गति संभाले, इस राज्य की, ये हम सब उनके जन्मदिन पर ये आशा करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।